criteria for essentiality I'm discussing. The first criteria is that एक प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट. द सेकेंड इज दैट इट शुड बी नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट. द थर्ड वन इज दैट इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म. कोई भी एलिमेंट इन तीन बेटा तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो एक एसेंशियल एलिमेंट है. बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को 17 एलिमेंट्स ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया और इन्हीं 17 एलिमेंट्स को कहा गया एसेंशियल एलिमेंट्स. अबव क्राइटेरिया को जब फुलफिल किया बेटा ओनली 17 एलिमेंट्स वी आर एबल टू फुलफिल द अबव क्राइटेरिया. सो दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है. इसके बाद बेटा एसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया. लेट्स डिस्कस नाउ अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल एलिमेंट्स. एक होता है एसेंशियल एलिमेंट, दूसरा होता है बेनिफिशियल एलिमेंट. तो मेरे बच्चे एसेंशियल एलिमेंट एक बात है, सो बेनिफिशियल एलिमेंट दूसरी बात है. व्हाट इज अ बेनिफिशियल एलिमेंट? दीज आर दोज एलिमेंट दैट कैन कंपनसेट फॉर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. और एक ऐसा एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट के लेस स्पेसिफिक रोल को बेटा उसको मेंटेन करता है. मैं आपको बताऊं बेटा एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा. सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट क्या होता है. एनी एलिमेंट एलिमेंट दैट कैन कंपनसेट जो कि कंपनसेट कर सकता है दैट कैन कंपनसेट फॉर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स और एन एलिमेंट विच बे रिप्लेस रिप्लेस करेगा किसको रिप्लेस करेगा? विच रिप्लेस एन एसेंशियल एलिमेंट विच रिप्लेस एन एसेंशियल एलिमेंट इन इट्स लेस स्पेसिफिक फंक्शन. इन इट्स लेस स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेंटेनेंस ऑफ ओपी. ओपी स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर द टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल एलिमेंट. मेरे बच्चे बेनिफिशियल एलिमेंट क्या है? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कंपनसेट करेगा टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अदर एलिमेंट और एन एलिमेंट विच रिप्लेस एन एसेंशियल एलिमेंट इन इट्स लेस स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल एलिमेंट. मैं आपको ऐसे समझाऊं बेटा बेनिफिशियल एलिमेंट एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है जिसका नाम है पोटेशियम. ठीक है. अब पोटेशियम का कोई रोल होगा. फॉर एग्जाम्पल इस पोटेशियम के मेरे बच्चे तीन रोल है. ठीक है. और आई शुड से तीन फंक्शन है F1, F2 एंड F3. मेरे बच्चे ये जो दो फंक्शंस है F1 और F2 ये पोटेशियम के मेजर फंक्शंस में आते हैं. पोटेशियम के मेजर फंक्शंस जो है दे आर F1 एंड F2. लेकिन F3 वाला फंक्शन जो है ये पोटेशियम का फंक्शन है लेकिन ये इसका माइनर रोल है. ठीक है बेटा. अगर पोटेशियम एब्सेंट हो गया या पोटेशियम एक प्लांट में डेफिशिएंट हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? F1 पे भी इम्पैक्ट आएगा, F2 पे भी इम्पैक्ट आएगा, F3 पे भी इम्पैक्ट आएगा. दैट मीन्स F1 मेजर फंक्शंस भी बेटा ऑल्टर हो जाएंगे, माइनर फंक्शंस भी ऑल्टर हो जाएंगे. लेकिन कोई एक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां बताऊं बेटा लेट इट बी एलिमेंट एक्स. एक एलिमेंट एक्स क्या करेगा? एक एलिमेंट एक्स क्या करेगा? पोटेशियम का रोल ओवरकम करेगा. लेकिन कौन सा रोल? माइनर रोल जो पोटेशियम का है. तो एलिमेंट एक्स जो है मेरे बच्चे ये पोटेशियम का माइनर रोल ओवरकम करेगा, पोटेशियम के इस फंक्शन को रिप्लेस करेगा मगर F1 और F2 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल एलिमेंट.
हियर एलिमेंट एक्स जो है इसको बेनिफिशियल एलिमेंट कहा गया. आई रिपीट, हैड इट बीन द केस, अगर ऐसा हो जाएगा कि एलिमेंट एक्स एफ एफ थ्री को तो करता ही है, एफ वन और एफ टू इन दो फंक्शंस को भी बेटा ओवरकम करेगा, तब जाके पोटेशियम एसेंशियल एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो रिप्लेस हो गया. अभी हमने कहा था कि एलिमेंट शुड बी इररिप्लेसेबल, तो उसका फंक्शन कोई और एलिमेंट रिप्लेस नहीं करेगा. लेकिन यहाँ एलिमेंट एक्स तो फंक्शन को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन कौन से फंक्शन को? माइनर रोल को, माइनर फंक्शन को. दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेनिफिशियल एलिमेंट्स. आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट एक्चुअली बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर. नाउ लेट्स डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स. मेरे बच्चे, जब इन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं. वन टाइप ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स के दो टाइप्स, वन आर कॉल्ड एज मिनरल एलिमेंट्स, वन आर कॉल्ड एज मिनरल एलिमेंट्स, अनदर वन आर कॉल्ड एज नॉन मिनरल एलिमेंट्स. One are called as mineral elements and another one are called as non-mineral elements. Now, non-mineral elements kya hai? These are those essential elements. I repeat, mineral elements jo hai beta, mineral elements are those essential elements which are derived from soil. वो वाले एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक प्लांट सॉइल से डिराइव करता है, वी कॉल्ड देम एज मिनरल एलिमेंट्स. एंड दोज एलिमेंट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम, सो देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज टाइप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन मिनरल एलिमेंट्स. The type of essential elements which are derived from the carbon dioxide and water, they are called as non-mineral elements. Lekin wo wale essential elements jo soil se derive karta hai, they are called as mineral elements. Aur yaad rakhna beta, ye jo mineral elements hain, isse pehle bhi kaha maine, they are mostly absorbed in the form of ions. Now, as far as this non-mineral elements are concerned, non-mineral elements में आता है carbon, hydrogen, oxygen. Non-mineral elements carbon, hydrogen, oxygen. इसके बाद अगर mineral elements की बात करेंगे, mineral elements जो है बेटा, जो कि soil से derive किए जाते हैं, इन mineral elements में आता है magnesium, calcium, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकन, मॉलिब्डेनम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मिनरल एलिमेंट्स वो वाले हैं जो सॉइल से डिराइव किए जाते हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट्स वो वाले हैं जो सॉइल से नहीं बल्कि वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड से डिराइव किए जाते हैं. अब ये जो बेटा है मिनरल एलिमेंट्स जो कि सॉइल से डिराइव किए जाते हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज. नॉन मिनरल वाले मैं रब करूंगा, यहां हम मिनरल एलिमेंट्स को देखेंगे. नाउ एज फार एज एसेंशियल, नाउ वी कॉल देम एज एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स. एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स वो वाले हैं जो कि एक प्लांट सॉइल से डिराइव करता है. नाउ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स दो टाइप्स के हैं. वन आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, one are called as macronutrients, while as another one are called as micronutrients. One is called as macronutrients, another one is called as micronutrients. मेरे बच्चे, यहाँ macro और micro का क्या मतलब है? Macronutrients वो वाले essential mineral elements है which are required or which are utilized by plant in very large quantities inside soil. Ya wo wale macronutrients, ya aise bhi kahenge beta, macronutrients wo wale nutrients hain jo ki soil mein bahut zyada quantities mein paaye jaate hain. Ya aise kahenge beta,
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, या एक प्लांट इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कहेंगे, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज, सो विच आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटीज, कम क्वांटिटी में सॉइल में प्रेजेंट है। इनफैक्ट दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट को? सो दोज एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, दोज एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट, विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन, विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटीज। चाहे आप ऐसे बताओ सॉइल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या आप ऐसे बताओ कि प्लांट इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कितना ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं बेटा? व्हेन दे आर प्रेजेंट इन 1000 mg, वैल्यू याद रखोगे बेटा 1000 mg पर kg ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर याद रखना बेटा, ड्राई मैटर का मतलब है वाटर के बगैर। एक सॉइल का 1 kg अगर आप लोगे तो उसमें वाटर को निकालोगे, दैट इज द ड्राई मैटर। सो दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्वांटिटीज दैट इज 1000 ग्रेटर देन 1000 mg पर kg ऑफ ड्राई मैटर, दे आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, ऐसे लिखेंगे बेटा, व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। नाउ ये जो स्मॉल क्वांटिटीज या माइनर क्वांटिटीज में जिनकी रिक्वायरमेंट है, वैल्यू जो है इट इज 100 mg पर kg ऑफ ड्राई मैटर, 100 mg पर kg ऑफ ड्राई मैटर, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। याद रखना बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइनर, और वी कॉल्ड देम एज ट्रेस एलिमेंट्स। इनको माइनर एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, या प्लांट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। माइक्रो वो वाले हैं जो प्लांट को लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। सो बेटा ये बोर्ड में रब करूंगा, अब इनके लिखेंगे बेटा मैक्रो और माइक्रो। हमारे पास है, वी हैव लाइक दिस मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो की जब बात करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के हैं। नाउ फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ क्या होता है प्राइमरी मैक्रो एंड सेकेंडरी मैक्रो? मेरे बच्चे, दोज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर यूजुअली यूटिलाइज्ड इन सच लार्ज क्वांटिटीज इन साइड सॉइल दैट देर इज डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन साइड सॉइल। मैक्रो ऑलरेडी ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन वो वाली मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सॉइल में इनकी डेफिशिएंसी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, सो NPK, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ये कौन से हैं? प्राइमरी मैक्रो, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स इन सच लार्ज क्वांटिटीज दैट देर इज डेफिशिएंसी। और जब इनकी डेफिशिएंसी आती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। सो सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऑलरेडी सॉइल में एनएफ है, प्लांट इस्तेमाल करता है, मगर इनकी डेफिशिएंसी सॉइल में नहीं आती है। एग्जाम्पल इज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एग्जाम्पल इज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, कौन कौन है माइक्रो न्यूट्रिएंट? एग्जाम्पल बोरॉन, कॉपर, आयरन, याद रखना बेटा इनको, बोरॉन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीज,
निकल, निकल, सोडियम, मॉलिब्डेनम एंड जिंक. निकल, मॉलिब्डेनम एंड जिंक, दीज आर ऑल कॉल्ड एज माइनर एलिमेंट्स और वी कॉल्ड देम एज ट्रेस एलिमेंट्स. आई होप यू गॉट द आइडिया. एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, नॉन मिनरल एलिमेंट क्या होता है, मिनरल एलिमेंट क्या होता है. नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर. सो बेटा कल के लेक्चर में हम थोड़ा आगे जाएंगे. मैं आपको रोल क्लासिफिकेशंस क्लासिफिकेशंस कल दिखाऊंगा.